brought to you by ITIL. हम शाकिब अल हसन को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते, ये हमारा काम नहीं है। ये दो टूक जवाब आया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ओर से। दरअसल शाकिब टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहना चाहते हैं और इससे पहले उनकी इच्छा है कि वो अपना आखिरी टेस्ट अपने घर मीरपुर में खेले। शाकिब ने हाल ही में ये अनाउंस किया था, लेकिन इसके लिए उन्हें सुरक्षा की गारंटी चाहिए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट फारूक अहमद ऐसी कोई गारंटी नहीं देना चाहते। शाकिब साउथ अफ्रीका के साथ होने वाली सीरीज के बाद टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने के मूड में हैं और इस बारे में फारूक ने कहा कि वो शाकिब को उनके मनचाहे फेयरवेल की गारंटी नहीं दे सकते। फारूक ने इस बारे में पत्रकारों से कहा, शाकिब की सुरक्षा हमारे हाथ में नहीं है, सिक्योरिटी सरकार की ओर से आनी चाहिए और उन्हें अपना फैसला लेना होगा। हम उनकी सुरक्षा पर कुछ नहीं कह सकते। हमारे पास किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा देने की क्षमता नहीं है। मैं ना ही एक एजेंसी हूँ, ना पुलिस हूँ और ना ही रैपिड एक्शन बटालियन RAB। सुरक्षा का मसला सरकार की ओर से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड की ओर से हम कुछ नहीं कह सकते। फारूक ने स्वीकार किया कि शाकिब व्यक्तिगत रूप से अभी मुश्किल से गुजर रहे हैं और वो चाहते हैं कि शाकिब अपना आखिरी टेस्ट घर में खेले। BCB प्रेसिडेंट ने साथ ही ये भी कहा कि शाकिब की सुरक्षा का मसला ऊपर बैठे लोगों के हाथ में है। वो बोले, शाकिब व्यक्तिगत रूप से अभी मुश्किल से गुजर रहे हैं, इसलिए हम अपनी ओर से बहुत कुछ नहीं कह सकते। उनकी तरह हम भी चाहते हैं कि शाकिब अपना आखिरी टेस्ट घर में खेले, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उनकी सुरक्षा की गारंटी ऊपरी अधिकारियों द्वारा आनी चाहिए। वो एक कठिन वक्त से गुजर रही हैं, उन्हें लगता है कि उनके लिए अपना आखिरी टेस्ट खेलने का बेस्ट टाइम है और हमने उनके फैसले का सम्मान किया है। इससे पहले BCB ऑफिशियल्स ने कहा था कि शाकिब के बांग्लादेश वापस आकर साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज खेलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बांग्लादेश को अपने घर में साउथ अफ्रीका के साथ दो टेस्ट की सीरीज खेलनी है। शाकिब पर एक हत्या का केस भी दर्ज है। बांग्लादेश में हुए आंदोलन के दौरान एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। शाकिब इस मामले में आरोपी हैं। हालांकि इन आरोपों के बावजूद BCB ने उन्हें खेलते रहने की परमिशन दे दी थी। कहा गया था कि दोषी सिद्ध होने तक वो खेल सकते हैं। साथ ही ये भी गारंटी दी गई थी कि अगर शाकिब खेलने के लिए बांग्लादेश आना चाहते हैं तो उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर सिक्योरिटी इशू के चलते अब शाकिब बांग्लादेश नहीं जाते हैं तो कानपुर टेस्ट उनका आखिरी हो सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।